बुड़मू अंचल के पत्रकारों के द्वारा प्रेस क्लब के नेतृत्व में आयोजित पत्रकार सम्मान व आभार समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब रांची के पदाधिकारी के साथ साथ अंचल के पत्रकार एक मंच पर एकजुट होकर पुलिस महानिरीक्षक की संबोधन को सुना। मुख्य अतिथि विपुल शुक्ला पत्रकार हित में कई बात कर पत्रकारों को सम्मान दिला गए। इस तरह के कार्यक्रम से आसपास के अंचल के पत्रकार भी उत्साहित हैं। हमारे प्रेस क्लब बुढ़मू के अध्यक्ष रघुनाथ महतो जी व इसकी जानकारी जो वहां पर सबसे वरिष्ठ जो पत्रकार मौजूद थे जिसमें बलवीर जी थे, हरिनारायण जी थे, नीलू भैया थे, ये तमाम लोग थे। हम लोग खुद आश्चर्य कर रहे कि ये 70-75 महिला पत्रकार वहाँ एक जुटी। हम लोगों की जरूरत है, हम लोग टेक्नोलॉजी में खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। मैं बहुत कम शब्दों में ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में पत्रकारिता का चेहरा बहुत तेजी से बदलेगा। ये तेजी से बदलने की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब हिंदुस्तान में 5G आएगा। पहले हम लोग समझ रहे थे कि 5G जियो के थ्रू आएगा, लेकिन अब दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अचानक से सैटेलाइट के थ्रू, जैसे हम लोग सैटेलाइट के थ्रू डिश टीवी देखते हैं, सैटेलाइट के थ्रू इस कारोबार में आ रहे हैं। आप लोग जिस तरह का काम करते हैं, देखते हैं कि कोई समय नहीं, तो कोई समय तबीयत खराब होती है। आपको बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है कि किसकी तबीयत कब खराब होगी। हमारे ऊपर अचानक मुझे BP हो गया, मुझे अचानक शुगर हो गया। मैं समझता हूँ लगभग सभी की यही हालत है, और जो बहुत डेडिकेटेड हो जाता है उसके लिए और दिक्कत है। कुछ आज अवेयरनेस का समय आया, आप ही लोग ने अवेयरनेस क्रिएट किए कि ये काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। हम लोग लिखते बहुत है पेपर में, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन खुद नहीं कर पाते। तो मेरा जब यहाँ पे ये बात हुई, रघुनाथ ने कहा कि सर हम लोग को बुड़मू में कार्यक्रम करना है जिसमें सभी पत्रकार इकट्ठा होंगे, मेरा पहला प्रश्न यही था कि क्या वो आ पाएंगे सभी लोग। तो कहा कि नहीं सर आ जाएंगे, आप तो आइए, कम से कम हम लोग आते हैं। और उसको ब्रह्मलेख मान लेता है। सुबह से रात 12 बजे तक जब वो घूमता है तो एक ही बात कहता है कि आज हम दैनिक भास्कर में, आज हम अखबार में, आज हम जागरण में ये लिखा हुआ देखे, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। मतलब पत्रकार समाज के का दर्पण होता है, उनको आईना दिखाता है। आप समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं। अब विषय ये है कि हम कलम उठाएं तो कौन से विषय को लिखें, ये महत्वपूर्ण है। मैंने पत्रकारिता प्रारंभ में की, रजत दा ने आपको बताया, मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की, रजत गुप्ता रांची से, रजत शर्मा दिल्ली के साथ भी मैंने पत्रकारिता की, पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ भी काम किया। बाद में मोदी जी ने मुझे स्वच्छ भारत अभियान का झारखंड का प्रमुख बनाया, राष्ट्रीय प्रचारक बनाया अमित शाह ने भाजपा का, नितिन गडकरी ने स्वच्छ गंगा मिशन का हेड बनाया। 2525 किलोमीटर गंगा के दोनों क्षेत्रों की मैंने यात्रा की, 700 से अधिक कार्यक्रम हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भी मैंने इस विषय पे बात की। पता नहीं ईश्वर की प्रेरणा थी अमरकांत भैया की, मैंने खुद को परिवर्तित होते देखा।